नमस्कार, वास्तु लिविंग लाइव एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हर महीने को हम रविवार के दिन पल्लवी जी के साथ टेप्ड प्रोग्राम करते हैं, जहां पर हम उनसे अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं, लेकिन ये वास्तु लिविंग का लाइव एपिसोड है, जिसके अंतर्गत आपको ये अवसर मिलेगा कि आप हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ सीधा बातचीत कर सकते हैं। सवाल हो सकता है कि आपके करियर से जुड़ा हो, रिलेशनशिप से जुड़ा हो, आपके निजी जीवन से जुड़ा हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से जुड़ा हो, अलग अलग पहलुओं से, जीवन के अलग अलग पहलुओं से जुड़े विषयों पर आप पल्लवी जी से बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए, सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग लाइव एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। दर्शकों, स्टूडियो में पल्लवी जी से बातचीत करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 732-650-1100 पर। शुरुआत में पल्लवी जी हॉलिडे सीजन से करना चाहूँगा, क्योंकि हॉलिडे सीजन जो है यूँ तो दिवाली के समय से ही शुरू हो चला है, और फिर अभी जो दिवाली का जो भाई दूज और नया साल, ये तमाम त्यौहार फेस्टिवल्स जो हैं ख़त्म हुए, तो अब हम बढ़ रहे हैं थैंक्सगिविंग की ओर, और थैंक्सगिविंग से आगे क्रिसमस, तमाम अलग अलग त्यौहारों का एक, मैं कहूँगा कि एक मौसम शुरू हो चला है। इस दौरान जो है सबसे बड़ी बात जो देखी जाती है, बहुत से लोगों का जो तवज्जो होता है, फोकस होता है, वो इंटीरियर डेकोरेशन पर होता है। वास्तु कंसल्टेंट के नाते आप क्या कहेंगे? और मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी लाइंस ऑलरेडी ब्लिंक कर रही हैं कॉलर्स की, और बढ़ना चाहूँगा, लेकिन पहले ये जान लूँ कि इंटीरियर डेकोरेशन और वास्तु के बारे में क्या कहेंगे। ऐसे वास्तु कंसल्टेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना इम्पोर्टेंस डायरेक्शन घर के डोर के सिलेक्शन का होता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वास्तु का एक मेजर पार्ट है, और एनर्जी को इन्हांस करने के लिए, किसी भी चीज़ की जगह के अंदर एक लाइव फीलिंग को क्रिएट करने के लिए इंटीरियर के माध्यम से कलर, फर्नीचर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और कई बार आपको जानकारी ना हो तो गलत फर्नीचर की वजह से भी वास्तु दोष खड़ा हो सकता है। जी दर्शकों, आपके फ़ोन कॉल्स को लेने का सिलसिला शुरू करते हैं, और जहां हम पल्लवी जी से इंटीरियर डेकोरेशन एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे थे, इस बात को तो आगे हम बढ़ाएंगे ही। लेट्स गेट ऑन टू द कॉलर्स। यस, यू आर लाइव ऑन वास्तु लिविंग। हु इज दिस? वेयर आर यू कॉलिंग अस फ्रॉम? दिस इज नीलम एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क। नीलम जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। पल्लवी जी के लिए क्या सवाल है? I would like to ask her, my house door, it's facing north, and the garage is on the east side, and I wanted to sell my house. So what advice can she give? Okay. Neelam ji, you'd have to tell me, is the property at your name, your husband's name, or both of you own that property? Both of you own that property. So I guess she'd need the date of birth of both of you and your husband's name as well. Okay, this is going to be for Satish, and his date of birth is January 2nd, 49. January 2nd, 1949, and unka naam Satish hai. हाँ जी. और आपका नाम नीलम आपने बताया. हाँ जी, हाँ जी. और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है नीलम जी? June 8th, 1956. All right. पल्लवी जी, क्या कहेंगे नीलम जी? प्रॉपर्टी में कब से रहना शुरू किया? इस प्रॉपर्टी में आप कब से रह रहे हैं? Almost 15 years. 15 years हुए हैं, right? So, नीलम, right? नीलम, yeah. नीलम जी, आप अपनी जो प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो, उसका जो डीड और जो पेपर वर्क होता है जिससे प्रॉपर्टी आप ओन करते हो, वो डीड आपने अपने घर के कौन से दिशा के कोने में रखा है, वो डायरेक्शन के माध्यम से बता सकते हो? आपको कुछ ध्यान है कि आपने घर की जो प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं, डीड है, वो कहाँ रखा हुआ है? That is the north in the drawer on the north. आपने घर के नॉर्थ में रखा हुआ है। आप उस कमरे को नॉर्थ कैलकुलेट करते हो कि पूरे लॉट के स्ट्रक्चर का वो रियल वाला नॉर्थ है? क्योंकि लोग ज्यादातर वास्तु में ईच रूम के अंदर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जो कि रियलिस्टिक नहीं होता है। बट इफ यू कैन कैलकुलेट योर होल हाउस, और अगर वो रियलिस्टिक नॉर्थ है कि नहीं, वो मैं जानना चाहूंगी। The sun comes from that the bedroom room? East side, and I do have the dragon table and the horses, so I wanted to know which side should I put the horse and the dragon. Okay, so that's a second question. But first thing, आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप ये घर को what would be the best suggestion for from her, how you could sell the house faster, right? Right.
right. तो हॉर्स और ड्रैगन के जो आप जाना चाह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन पहले इस चीज को समझ लेते हैं। नीलम जी, सबसे पहले क्वेश्चन का मैं आपको जवाब देना चाहूंगी। आप अपने घर के अंदर जो प्रॉपर्टी का पूरा पेपर वर्क है, पूरा डीड है, उसकी आइडियल लोकेशन है इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। तो जो आपके पेपर वर्क से जो प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हो उसको नॉर्थ वेस्ट में रख दें। सेकंड क्वेश्चन था आपका ड्रैगन एंड हॉर्सेस। सो ड्रैगन जो है वो आइडियल डायरेक्शन है ड्रैगन के लिए, ईस्ट डायरेक्शन, एंड जो हॉर्सेस है उसको क्लोज टू मेन एंट्रेंस डोर रख दें, जो प्रॉपर्टी से बाहर जाता हो, आउटसाइड जाता हो, उस तरह की पोजिशन में। Ilam ji, I hope that helps you. All the very best. Since you are the first caller, before I get on to the next caller, is there anything as a follow-up you want to ask Pallavi ji? Not actually. Just I wanted to ask for my son. His date of birth is September 19th. What would you suggest that, you know, I'm trying to get, you know, some relationship for him? Okay. Any storms, what is his full name and date of birth? What is his full name and date of birth? Puri bataiye. September 19th what? 1983 शादी बहुत अच्छी होगी, लेकिन लव मैरिज होगी। शादी ब्याह से रिलेटेड चीजों में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बस उसकी मर्जी से होगी, बस और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Ilam ji, all the very best. Thank you so much for being part of Vastu Living. We'll get on to the next caller. Yes, you're live on Vastu Living. Who's this? Where are you calling us from? Yeah, this is Bhavesh from Chicago. Bhavesh ji, bahut bahut swagat sir aapka. Kya sawal hai Pallavi ji ke liye? Yeah, I'm a physician and I want to know about my professional career. Okay, and so Sachin ji, Bhavesh ji, what's your date of birth? It's April 5, 1983. April 5th, 1983. Bhavesh is the name, and you want to know more about your career. All right. Bhavesh ji, अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने बताई है उसके हिसाब से आपका जो करियर कॉर्नर है वो है वेस्ट। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन में अपने करियर से रिलेटेड ज़्यादा वरिड हो तो आप अपने घर की जो वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों को रखो जो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ मेटल की बनी हुई हो, गोल्ड एंड सिल्वर फिनिश बनी की हुई हो, मेटालिक कलर्स बोलते हैं जिसको। अगर वेस्ट में कोई नेचुरल प्लांट है, कोई पानी से रिलेटेड वाटर डेकोर है, ब्लू नेवी ब्लू वाटर एलिमेंट है, तो करियर में प्रॉब्लम्स हो सकती है भावेश जी। जी Bhavesh ji, is there a follow-up thing that you want to ask Pallavi ji? No, everything got disconnected. I'm sorry. Yeah, the you know, all our 10 lines are all packed right now, Pallavi ji. We have to make it fast. Bhavesh ji couldn't listen to your answer properly. Yeah. Bhavesh ji, आप अपने घर के वेस्ट दिशा के अंदर गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स और मेटल की बनी हुई चीज़ों को रखें, और कोई भी वाटर एलिमेंट एंड वुडन एलिमेंट वहाँ पे हो तो उसको अवॉइड करें। जी जी भावेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन वास्तु लिविंग। मेरा एक क्वेश्चन है कि जॉब मेरा कौन से स्टेट में अच्छा रहेगा? अभी तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से ऐसा लगता है कि आप कहीं पे भी जिस शहर का नाम वी से शुरू होता है, वी एज एन विक्टर, डब्ल्यू एज एन विस्की, बी एज एन बॉय, और ज़्यादातर आप ईस्ट कोस्ट के अंदर कहीं पे भी अपने आप को सेटल करना चाहोगे आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा भावेश जी। भावेश जी, थैंक यू सो वेरी मच सर। वी डब्ल्यू एंड बी, बी एज एन बॉय, वी डब्ल्यू एंड बी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, यू आर लाइव ऑन वास्तु लिविंग। हु इज दिस, वेयर आर यू कॉलिंग अस फ्रॉम? Yes, sir. I'm Swati calling from Houston. जी स्वाति जी, पल्लवी जी के लिए क्या सवाल है आपका? I have a daughter who's 20-year-old and her date of birth is 10th April 1998. Just wanted to know about her career prospects. Okay. बिटिया का नाम है क्या है स्वाति जी? Which is the line suitable for her? जी स्वाति जी, पल्लवी जी is asking what's your daughter's name? सागरिका रॉय चौधरी और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10th April 1998 के। ओके, ठीक है। और आप
वो बेटिया एम पैदा हुई है कि पीएम? पीएम। इसकी डेट ऑफ बर्थ से ऐसा है कि उसका एजुकेशन कॉर्नर एवरेज है, तो पढ़ाई लिखाई एवरेज लेवल पे ख़त्म हो जाएगी। बिजनेस के साथ चांसेस बहुत कम है, लेकिन जॉब कर सकती है। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए उसको मोटिवेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से कई बार छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस हो जाने की संभावना बढ़ सकती है। स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वास्तु लिविंग में जुड़ने के लिए, और सागरिका के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। यस, यू आर लाइव ऑन वास्तु लिविंग। हु इज दिस, वेयर आर यू कॉलिंग अस फ्रॉम? जी सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लोअर डाउन द वॉल्यूम ऑफ योर टेलीविजन सर? वॉल्यूम ऑफ द टीवी? या, और बात अपना परिचय दीजिए सर, कहाँ से बोल रहे हैं? कर दिया जी, आप टेलीफोन से बात करें। जी सर, गो अहेड, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर सर, यू आर लाइव ऑन एयर। हु इज दिस, वेयर आर यू कॉलिंग अस फ्रॉम? I guess we'll get on. Yeah, you're live on air. Who's this? Where are you calling us from? No, hi, I'm calling from Addison, New Jersey. Ma'am, apna naam bataiye aur sawal poochiye Palvi ji se. Okay, mera sawal hai ki mera bhai hai, uska born 86 hai, uski shaadi kab hogi? Madam, aapko apne bhai ka aur apna naam batana padega. Okay, mera first name Kanchi hai aur mere bhai ka naam hai Akshat. अक्षत के बारे में आप पूछ रहे हैं, और उनका उनकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसका डेट ऑफ बर्थ जनवरी 19, 1986। ओके, अक्षत की शादी के बारे में आपका सवाल है? जी जी, अक्षत के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि शादी करवाने से पहले उसके करियर को सेटल करने का और फोकस करने का सोचें। थोड़ी सिंसियरिटी बढ़ जाएगी, मैच्योरिटी का लेवल बढ़ जाएगा, उसके बाद शादी के बारे में सोचना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ताकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ अच्छी बनी रहे। आप जो है मैडम, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप टेलीविजन से ना सुने, आप टेलीफोन के माध्यम से बात करें, और तमाम दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जब हमें स्टूडियो में कॉल करें, Please lower down the volume of your television set. Madam, thank you so much. Akshat ji ke liye Palvi ji ne aapko guide kiya. If you have any follow-up question, please call us back. Yes, you're live on Vastu Living. Who's this? Where are you calling us from? This is Sonka. I'm calling from New Jersey. I'm sorry, ma'am, I couldn't get your name. From New Jersey, Lonkar. L-O-O-N-K-A-R. Lonkar, okay. Yes, yes ma'am. Welcome to Vastu Living. What's your question for Palavi ji? My question is, I born 1942, 26 January. Yes, ma'am. And I thinking about my health. Ji, So Jan 26, 1942, and aap apni swasth, apne health ke baare mein jana chahte hain. And miss, unke ghar ki direction kaun si hai? Aapko aapke ghar ki direction maalum hai, madam? Maybe east. No, you have to be sure. If you, if you are not sure about yourself, I would highly recommend that you try to find out the exact direction of your house. Let me think one second. Ma'am, you would have to call us back. I'll get on to the next. I'll have to get on to the next caller. Aap find out kijiye, hame call back kijiye. Meanwhile, we'll get on to the next caller. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you for being part of Vastu Living. Yes, you're live on Vastu Living. Who's this? Where are you calling us from? This is Anu Gupta, and I'm calling from California. Anuji, welcome to Vastu Living. What's your question for Pallavi ji? My question is that I bought a house in 2007, and since then, my daughters and me, we all are having health problems, which is not going away. Ji. So, my house direction is southeast. Your house direction is southeast. Now, please allow me to know: are you like a single parent? You and your daughters, as you mentioned, or no? I have a husband too. Yeah. Okay. तो ये घर जो है आपका और आपके हस्बैंड दोनों का है, उनका नाम से है? हम दोनों का है, उनका नाम मनीष गुप्ता है जी। तो अनु जी, आपको मनीष जी की और अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी पल्लवी जी को, एंड देन देयर आफ्टर शी कैन परहैप्स सजेस्ट यू समथिंग। ओके ओके, सो गो अहेड। अपनी बेटियों की भी बतानी होगी? आप पहले मनीष जी की बताइए।
मनीष की है मार्च 4, 1971 मनीष जी की है, और अनु जी की, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी है जुलाई 14, 1973। और आपने एक बार फिर से बताइए अनु जी, आपने क्या बताया, आपके घर की डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट। ओके पल्लवी जी। अनु जी, जो अभी आपने मनीष जी और अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके लिए जो घर सुख शांति और अच्छी सेहत का बना हुआ हो वो आइडियल डायरेक्शन है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट आपकी वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये तीन दिशाएं पल्लवी जी कह रही हैं कि आपके लिए। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और तीसरी कौन सी? वेस्ट। वेस्ट, ओके। या अनु जी, अभी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से साउथ ईस्ट जो है वो बिल्कुल अनफेवरेबल डायरेक्शन है, जो कम्प्लीटली लाइफ के अंदर एक सुकून और पीस ऑफ माइंड नहीं देगा। घर के अंदर बात बात में, छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा। तो या तो आप साउथ ईस्ट के जो भी डायरेक्शन या गराज डोर है उसको बंद करके कोई और दिशा का ऑप्शन हो तो उसको यूज़ करें, या फिर पूरे घर का फ्लोर प्लान भेजें तो डायरेक्शन गलत होने के बावजूद भी क्या क्या उसमें अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से आप उसको सही ढंग से घर को इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। और ये सब बातों के लिए फ्लोर प्लान की आवश्यकता है। दोबारा मौका मिले तो घर में कोई एग्जिट डोर या बैकयार्ड डोर या कोई गराज डोर की एंट्री हो तो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट को यूज करें। जी, एक्चुअली मेरा जो एंट्रेंस है वो साउथ ईस्ट है और फिर एक और डोर है बैकयार्ड डोर, वो नॉर्थ ईस्ट है, तो आप और जो गराज डोर है वो नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट है, तो आप ये करें कि जो गेस्ट एंट्रेंस है उसको कम्प्लीटली 90 to 120 डेज के लिए कम्प्लीटली बंद कर दे, किसी का भी, मेहमान का भी आना जाना नहीं, और सिर्फ एक एंट्री के साथ काम करें और वो गराज डोर को रखें। और जब भी आप गराज डोर से आना जाना रखें तो उसके साथ साथ यू हैव टू बी मेक श्योर कि गराज के अंदर मैक्सिमम कुछ न कुछ मेटल के बने हुए डेकोरेशन को होना चाहिए। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ वाटर एलिमेंट गराज के अंदर से, एंड सारी मेटल की चीज़ रखकर 120 दिन तक देखें, और हेल्थ में जो भी सुधारा होता है, जो भी मेंटली थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड जैसा फील हो या जो भी तरह की इफेक्ट हो, आप ज़रूर एक बार हमारे साथ शेयर करें। अनुजी, थैंक यू सो वेरी मच। सो द इम्पोर्टेंट थिंग, साउथ ईस्ट का जो डोर है उसको अवॉइड करें, और जो आपका गराज डोर है, विच इज़ अ ब्लेस्ड थिंग फॉर यू दैट आपके पास गराज है, एक ऑप्शन है। नॉर्थ वेस्ट आपके लिए वैसे ही बेहतर डायरेक्शन है, सो यूज़ दैट। दैट्स व्हाट पल्लवी जी इज सजेस्टिंग। ऑल द वेरी बेस्ट मैम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस फ्रॉम कैलिफोर्निया। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर दीज मैसेजेस। नाउ आई नो देयर आर नंबर ऑफ कॉलर्स हु वांट टू इंटरैक्ट विद पल्लवी जी। यस, वी विल डू दैट। We've got entire hour with us. Pallavi ji is here with us till 9 o'clock. Stay tuned. We'll be right back with Vastu Living after these messages. So we have clients that want to place their product, and in our industry, placement is the most important factor. So we get them the best available placement in any location. So very similar to Vastu, when we get a product and if it's placed in the right direction at the right time, it gives you 100% results. And that is the same thing we do in our company. We place the products at the best location at the best time, and it gives the clients best results that they expect. I'm 100% believer in Vastu and Feng Shui.